तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोनी लिव पर साइंस फिक्शन मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज जेल 50 रिलीज हो चुकी है, जिसे डायरेक्ट किया शैलेंद्र व्यास ने और इसमें लीड रोल में अभय देओल, पंकज कपूर, राजेश शर्मा, पीयूष मिश्रा और रितिका आनंद है। तो आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ सोनी लिव पर रिलीज हुई साइंस फिक्शन मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज जेल 50 का। तो आखिर क्या है इस वेब सीरीज में खास, इसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए भी या नहीं, जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटोर वर्मा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक पैसेंजर प्लेन के मिसिंग होने से, जिसका नाम है A026 और जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने CBI ऑफिसर शांतनु और गौरंगो जाते हैं, जिनका कैरेक्टर प्ले किया अभय देओल और राजेश शर्मा ने। लेकिन जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, उन्हें खबर मिलती है कि अभी अभी एक प्लेन कोलकाता के पास क्रैश हुआ है। और कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि ये प्लेन जो क्रैश हुआ है वो A026 नहीं है बल्कि JL50 है, जो कि कोलकाता से 35 साल पहले उड़ा था और लापता हो गया था। जो प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था। अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था। लेकिन शांतनु इस बात का पता लगाने निकल जाता है कि आखिर वो प्लेन 35 सालों से था कहाँ, क्या उस प्लेन ने टाइम ट्रेवल किया है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है सिर्फ किताबों में, या फिर ये सब आजाद बांग्ला एसोसिएशन की प्लेन को हाईजैक करके बचने की चाल है। क्योंकि खबरों से शांतनु को पता चलता है कि A026 को आजाद बांग्ला एसोसिएशन ने हाईजैक किया है ताकि वो अपनी मांगों को गवर्नमेंट से मनवा सकें। और फिर शांतनु उस प्लेन क्रैश में बचे दो लोगों से हॉस्पिटल मिलने जाता है, जिसमें एक JL50 की पायलट रिहू घोष है। मेरा नाम रिहू घोष है और मैं JL50 की पायलट हूँ। और दूसरा प्रोफेसर मित्रा है। और जब वो रिहू घोष से बात करता है तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और इसकी पूछताछ के लिए एक प्रोफेसर दास से मिलता है, जो कि क्वांटम फिजिक्स के प्रोफेसर हैं और JL50 की उस लास्ट फ्लाइट के पैसेंजर थे, लेकिन उन्होंने वो फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। और जब वो उनसे बात करता है तो शांतनु का कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर ये टाइम ट्रेवल है या कुछ और। इसे टाइम ट्रेवल की तरह स्टेज क्यों किया जा रहा है? स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है। और फिर कहानी में एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाते हैं और नए नए राज खुलते चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या ऑफिसर शांतनु सच का पता लगा पाएगा और क्या JL50 ने सच में टाइम ट्रेवल किया है, ये बातें जानने के लिए तो आपको ये वेब सीरीज ही देखनी होगी, जो कि सोनी लिव पर रिलीज हो चुकी है। इसके टोटल 10 एपिसोड हैं, लेकिन अभी 4 एपिसोड ही रिलीज किए गए हैं, जिसमें हर एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट का है। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात है इसकी दमदार स्टोरी, जो कि खुद डायरेक्टर देवेंद्र व्यास ने लिखी है। पहले तो रूमर्स ऐसे थे कि ये एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, लेकिन जैसे ही इसका पहला एपिसोड शुरू होता है तो इसके डिस्क्लेमर में ये बात साफ कर दी गई है कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है और इसका रियल लाइफ के किसी भी इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी रूमर्स ऐसे हैं कि इसकी कहानी US के एक न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल से ली गई है, जिसमें लिखा था कि 35 सालों के बाद 92 नरकंकालों के साथ लैंड हुआ 1950s का प्लेन। अब ये बात कितनी सच है ये तो इसके डायरेक्टर ही जाने। खैर, हमें तो बस इस वेब सीरीज को देखने से मतलब है, इसकी स्टोरी दमदार है। ये कुछ आईडीज हैं जो 35 साल पुरानी हैं। ये सारी चीजें आइडेंटिकल जरूर हैं, लेकिन असली नहीं है। और बात करें इसकी एक्टिंग की, तो अभय देओल और बाकी सारे एक्टर्स ने बढ़िया काम किया है और इसका डायरेक्शन भी कमाल का है, जिसमें शुरू से ही सस्पेंस मिलता है। इस रिकॉर्डिंग का टाइम क्या नोट किया गया है? 20 अगस्त 1984, जो कि 3rd एपिसोड में क्लियर होता है। और इसके साथ ही दूसरा सस्पेंस निकल कर आ जाता है, जो कि बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है। इसकी सेकंड सबसे अच्छी बात है कि हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज और वेब सीरीज की तरह इसमें भी हमें पूरी तरह से टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके दिखाया गया है कि टाइम ट्रेवल रियल लाइफ में किस तरह पॉसिबल हो सकता है। और उस सीन को देखते टाइम थोड़ी सी स्ट्रेंजर थिंग की याद आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप इस वेब सीरीज को देखें तो इसे किसी और वेब सीरीज या मूवी से कंपेयर ना करें, नहीं तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। क्योंकि पहले तो हम बोलते हैं कि इंडिया में ऐसे कंटेंट पर कुछ बनता नहीं है, और जब ऐसे कंटेंट पर कुछ बनाकर हमारे सामने रखा जाता है तो फिर हम उसे कंपेयर करने लगते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से इसके मेकर्स ने इसे अच्छे से अच्छा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया है कि इंडिया भी हॉलीवुड से पीछे नहीं है। इस वेब सीरीज के 4 एपिसोड इतने बढ़िया हैं कि इन्हें देखते टाइम में कहीं भी बोर नहीं हुआ। इसका BGM जबरदस्त है और इसमें 4-5 गाने हैं, जिसमें एक हिंदी, एक बंगाली और बाकी इंग्लिश में है, जो कि ऐसे तो नहीं है कि हम उनके दीवाने हो जाएं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बैठते हैं। इसके एक्शन सीन्स को भी काफी हद तक रियलिस्टिक ही रखा गया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें और मसाला डालने के लिए गालियां और अडल्ट सीन नहीं डाले गए हैं। ये बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी फ्रेश कंटेंट है, जिसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, जिसमें एक के बाद एक ट्विस्ट आते जाते हैं। और इसकी एंडिंग भी जबरदस्त है, जिसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है और उसी के सहारे बाकी के 6 एपिसोड की स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो मेरे हिसाब से आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी मेहनत जरा से भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस तरह के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू करने की। थैंक यू।